नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से, जहां विगत 14 दिनों से धरने पर बैठे यूपी कॉलेज के छात्रों के समर्थन में आज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने उनका समर्थन देते हुए आज विद्यापीठ के गेट नंबर 1 पर कुल सचिव का पुतला दहन किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए महामंत्री ऋषभ पांडे ने बताया कि आपराधिक इतिहास रखने वाले कुल सचिव का अगर निष्कासन जल्द से जल्द न हुआ तो उनके खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। ज्ञात हो कि यूपी कॉलेज के छात्रों ने एक दिन पूर्व ही खून से पत्र लिखकर निष्कासन मांग किया, जिसका ज्ञापन सीएम फोर ने शिवांगी मिश्रा को दिया गया था, लेकिन अभी तक उनके पत्रों का पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया, जिससे आज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने पुतला दहन किया। मौके पर क्षेत्र अधिकारी चेतगंज अनिल कुमार मैफोर्स मौजूद रहे, जिससे कि कोई अप्रिय घटना ना घट सके। तौफीक खान की रिपोर्ट। ये किसका आज आपने कहां पर पुतला फूंका है? कि हम लोगों ने आज गेट नंबर 1 पे यूपी कॉलेज प्रबंधक का, जहां मेरे छात्र भाई और छात्र संघ के तमाम पदाधिकारी लगातार 14 दिन से धरने बैठे हुए हैं, ना उनकी मांगों को पूरा किया जा रहा है, ना उनकी बातों को सुना जा रहा है। अभी तक कोई अधिकारी बात करने गया भी था, खाली जुमलेबाजी करके 25 दिन का वादा करके उनको धरने पर लगातार भी बैठे हुए हैं, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। आज उन्हीं के समर्थन में उत्तर यूपी कॉलेज प्रबंधक का आज हम लोगों ने सभी छात्रों ने मिलकर विद्यापीठ गेट नंबर 1 पे पुतला फूंका है। इस संदर्भ में आज 14वें दिन उन लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है। क्या आगे के जो वर्तमान में सचिव है वो अपराधी छवि के हैं। वो हमने कुछ महीने पहले अपने भाई का हत्या करके जेल में सजा काट के आए और भदोही बहुत बड़े कालीन के व्यापारी हैं। वे ऐसे संकट की घड़ी, इतने संकट की घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको यूपी कॉलेज का, जो इतना बड़ा कॉलेज है जहाँ से कई सारे तरीके के छात्र निकलते हैं, जो भारत के हर एक कोने कोने जाके वो यूपी कॉलेज का नाम रोशन करते हैं, तो उस कॉलेज का उनको सचिव बना दिया गया है, जो अपराधी छवि का व्यक्ति है। और भी उनकी नियुक्ति गलत तरीके से हुई है और वर्तमान समय में कोरोना इसी महामारी चलते हुए हॉस्टल को उन्होंने बंद किया, हॉस्टल चल के आए परीक्षा कहाँ देंगे। यही दो मांगे जो लगातार 14 दिन से लोग धरने बैठे, उनकी मांगों आगे की क्या रणनीति होगी? अगर आप लोगों का आगे की रणनीति यही होगी कि अगर यूपी कॉलेज के वहाँ के वर्तमान पदाधिकारी और छात्र नौजवानों की बातों को नहीं सुनते हैं तो लगातार महाविद्यालय विद्यालय, जैसे आज विद्यापीठ से आवाज उठी है छात्र एकता की, वैसे हर एक महाविद्यालय विद्यालय सारे छात्र मिलकर छात्र एकता, छात्र संघ का मजबूत करेंगे और छात्र छात्र